ब्रज क्षेत्र में 12 वन और 24 उपवन बताए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे सबका विलोपन हो गया। आज अत्यंत प्रसन्नता हो रही है यमुना मिशन के इस कार्यक्रम को देखते हुए कि हमारे वन और उपवनों की संख्या फिर से बढ़ने लगी। मैं रामकुमार उपाध्याय, जिला कोषाध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ से ये कहा जाता है। वैसे मेरे भारत की माटी का कण कण पावन चंदन है, उसमें भी ब्रजरज अति पावन काटे यम के बंधन है। मैं भी ब्रज का ग्वाल वाल श्री श्याम चरण का सेवक हूँ। भारत के बच्चे बच्चे के चरणों में अभिनंदन। जगह जगह ईश्वर ने अपने रूप धारण किए, जन्म लिया, लेकिन यह प्रचलन केवल ब्रज क्षेत्र में ही मिलता है कि यहाँ की रज भगवान कृष्ण ने स्वयं चाखने का काम किया है। ये नहीं कह सकते उसके बाद भी ब्रज 84 कोस में जगह जगह गाय और बछड़ों के रूप में उन्होंने यहाँ की धरती को चाटा है, मिट्टी को चाटा है। ये वो पावन भूमि है जिसका उल्लेख शास्त्रों और वेदों में किया गया है। कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं आगे स्वागत की श्रृंखला में अत्यंत प्रसन्नता होती है। गोपेश महाराज जी महारानी की जय। फोटू महाराज जी की मेरी भी हाथ लगाते मैं आ जाऊंगी, है ना। हाँ अखबार में सुबह देखने